साइकिल वाले इस मोमोज के लिए जो है कैसे पब्लिक जो है छुट्टी हुई एक के ऊपर एक लेने के लिए कि भाई पहले मुझे मिल जाए, ये देखो एक एक करके भैया लेके निकल रहे हैं। इस वक्त हम लोग घूम रहे हैं करोल बाग के अंदर, और करोल बाग के अंदर देखो हमें ये मिला एक छोटा सा बच्चा जिसने साइकिल पे जो है कितना प्यारा सा सेटअप लगा रखा है, और ये सेल कर रहा है यहाँ पे मोमोज, क्योंकि इससे ही पता चल रहा है कि इन्होंने इसके अंदर मोमोज लगाए हुए हैं और ये चटनी वटनी ले रखी है। बेटा ये तुम ही हो यहाँ पे और कोई तुम्हारे साथ? अच्छा बड़े भैया है, कौन है बड़े भैया तुम्हारे? आप हो क्या? अच्छा आप हो यहाँ पे, अरे यार मुझे लगा कि छोटा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। एक बार मैं आपके बाइक लगाता हूँ, ठीक है? आपने यार ये सेटअप बड़ा प्यारा लगा रखा है साइकिल पे, जरा एक बार आपसे कुछ बातें करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू है। यार मुझे आप ये समझाओगे कि ये आपने साइकिल पर जो है ये मोमो का सेटअप इतना प्यारा लगा रखा है, ये कैसे, ये समझ में? यहाँ बहुत लोगों को हमने देखा कि रेडियो पर लगाते हैं, कुछ रेस्टोरेंट में होता है स्टॉल, बड़े प्यारे प्यारे लगे होते हैं उनके, लेकिन आपने तो ये साइकिल पर ही जो है मोमोज खिलाना चालू कर दिए, क्या राज है इसका ये तो बताओ। साइकिल की बात तो ये है ना, ये ज़्यादा जगह भी नहीं खाती है, अच्छा। थोड़ी सी एरिया में कहीं भी ले जाके खड़ा कर सकते हो। हाँ, इसलिए यहाँ पे आपको पार्किंग की रोड है। अच्छा पार्किंग का रोड है, इसलिए आपने साइकिल पे इसको सेटअप लगाया ताकि जगह ना घेरे। हाँ अच्छा, नहीं तो आप भी ठेला लगा सकते हैं। पहले स्टार्टिंग इसी से किया था तो इसी में गुजारा चल रहा है। अच्छा साइकिल से स्टार्टिंग किया तो साइकिल में गुजारा चल रहा है। और आप मुझे दिखाएंगे जरा आपके पास कौन कौन से मोमोस हैं, किस किस टाइप के हैं? मेरे पास 3 आइटम है। अच्छा, और एक चिकन मोमोस है, भेज मोमोस और पनीर मोमोस। उसके साथ में क्या क्या देते हो? चटनी देते हैं, रेड वाली और मेयोनीज। अच्छा आपके पास सिर्फ स्टीमी होते हैं? स्टीमी होते हैं। और फ्राई का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ये साइकिल पे जो है सेटअप लगाने का कोई फ्राई वाला नहीं, मतलब ये समझ में नहीं आता ये इतना सारा सामान जो है आप लाद के लेके कैसे आते हो यहाँ तक? पैदल लेके आते धकेलते साइकिल। कितना दूर से आते हो? 10-15 मिनट लगता। 10-15 मिनट? अच्छा आसपास ही रहते हो क्या? इससे पहले कुछ और भी करते थे क्या? नहीं, इससे पहले कोई नौकरी करता था पहले। अच्छा नौकरी साल पहले तो कैसे सोचा कि मतलब कि ये मोमोज लगाना है? ऐसे सोचे, नौकरी में इतना वो हो नहीं पा रहा था, फिर बच्चे शादी शुदी होगी, बच्चे को देखना पड़ता। अच्छा 8-10 हज़ार में क्या बचता है, इसलिए सोचा कि कुछ अपना ही काम करके देखें। अच्छा चलो, इसमें अपना ठीक ठाक निकल जाता है? हाँ निकल जाता है। अच्छा बढ़िया हो जाता है? इतना बढ़िया नहीं कि जो नौकरी कर रहा था उससे अच्छा है। अच्छा नौकरी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है। अच्छा एक बार मुझे बताएंगे कि आपने यहाँ तो मुझे दिखाई दे रहा है इसके अंदर मोमोज का सेटअप आपने लगा रखा है, ये चटनियाँ हो गई, और ये झोलों में आपने क्या क्या रखा हुआ ये बताइए? ये मोमोस है झोलों के अंदर, दोनों में ही मोमोस है। अच्छा इसमें आप पहले से प्रिपेयर करके लाते हैं और उसके बाद इसके अंदर डाल के करते रहते हैं? एक बार तो घर पे पकता है ना, यहाँ पे आके गर्म करके देना होता है ये। अच्छा एक बार घर पे ओके हो जाता है फिर यहाँ पे गर्म करके देते हैं? ठीक है। और गाइज इस वक्त भैया के पास जो है भीड़ खत्म हो चुकी है, यहाँ पे सिर्फ एक दो लोग यहाँ पे खा रहे हैं, और इससे पहले जब मैंने कैमरा चालू किया था भाई साहब यहाँ पे क्या क्राउड था वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। भैया ये पलटने जा रहे हैं इसके अंदर मोमोस। ये कौन से भैया? वेज वाले। ये वेज वाले हैं? ये वेज में क्या क्या होता है? वेज में होता है बंद गोभी और सोयाबीन मिक्स। बंद गोभी और सोयाबीन, पनीर वाले डाल दो। अच्छा अगले में डाल लो पनीर, सही में टेस्ट ऐसा है। अच्छा ये कौन से भैया? ये पनीर वाले। अच्छा पनीर वाले डाले। हाँ और गाइस एक बार मैं आपको सेटअप दिखाऊं कि इन्होंने इसी साइकिल पे इतनी दूरी में जो है ये मोमोस का जो सेटअप लगा हुआ है, नीचे भाई साहब देख सकते हैं चूल्हा लगा हुआ है, और मैं आपको नीचे से दिखाऊं तो ये देखो गैस की हंडिया रखी हुई नीचे इन्होंने लटकाई हुई है। भाई साहब क्या जबरदस्त सेटअप बना रखा है। और इधर देख सकते हैं आप लोग, ये लोग जो है कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे भैया? मोमोस जबरदस्त बनता है इनका, जो भी टेस्ट बेहतरीन होता है। अच्छा सबसे अच्छा नॉनवेज वाला होता है। अच्छा नॉनवेज वाला क्या है, सावन का टाइम चला, इस टाइम कोई खाता नहीं, बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट नॉनवेज वाला इनका है। अच्छा इसलिए इस टाइम नॉनवेज खा ही नहीं रहा कोई? हाँ तो आप भी नहीं खाओगे? वेज ही खाएंगे। अच्छा वेज ही खाओ? वेज का भी बेस्ट इनका, मतलब लाजवाब है कोई, मतलब नॉनवेज का ज्यादा बेहतर इनका। अच्छा हाँ ज्यादा खाने तो वेज ही खाना है हमें तो आप रोज खाते हो या कभी कभी? डेली करीब करीब हो जाता है। डेली हो जाता है आपका? अरे बाप रे, मतलब मोमोज की लत लगी इनकी आपकी? हाँ बढ़िया चीज आती है इनकी। अच्छा ये लो भैया नीचे देख सकते हो पानी कितनी सही से उबल रहा है। ये लो भैया, ये भैया ने मोमोज लगवाए वेज वाले सावन के चलते। आज कितने मोमोज खाने वाले हो आप लोग? 12 पीस खा जाओगे? क्या बात है। ये आ गया भाई मसाला और ये चटनी इनकी पहले लग चुकी है और ये लगी प्लेट। और अब मैं आपको एक बार जो कैमरा घुमा के क्राउड दिखाता हूँ कि ये देखो भैया कैसे यहाँ पे कस्टमर एक के बाद एक खड़े हुए हैं, और इधर पीछे जो है वेटिंग चल रही है मोमोज के लिए, और मोमोज अभी रेडी हो रहे हैं, और कुछ लोग जो है इधर खा रहे हैं आराम से मौज ले रहे हैं, और चलते हैं हम अपनी भी प्लेट लगवाते हैं। और भैया कितने बजे लगाते हो आप? 5 बजे। 5 बजे शाम को? हाँ। बंद भी रहता है क्या कभी? कभी महीने में एक दिन होता है। अच्छा सोमवार को। और 5 बजे से खड़े कितने बजे तक होते हो? 10:30 बजे तक। 10:30 बजे रात के? और यहाँ पे कोई आएगा तो कैसे आएगा आपको मोमोज टेस्ट करने के लिए?
सरस्वती मार्ग 26 नंबर गली विडनपुरा, सरस्वती मार्ग करोल बाग। ये लो भैया हमारा जो मोमोस लगने जा रहा है, ये कौन सा बताते रहना? ये चिकन वाला। ये चिकन वाला है। ये लो ये कौन सा है? ये वेज वाले। अच्छा ये वेज वाला है। ये पनीर वाले है। ये पनीर वाला है। हाँ जी। एक ये डाल लो, बहुत बढ़िया। ये कौन सा मसाला है? ओरिगानो। ओरिगानो है। अच्छा ये रेड सॉस। रेड सॉस आ गया। ये वाइट वाली। ये मेयोनीज़ आ गई। ये प्लेट हमारे लग के रेडी है। एक बार आपको तोड़ के दिखा दो इसके अंदर की स्टफिंग क्या है। ओहो तो ये है भाई चिकन वाला मोमोस, क्या बात है गजब। और भाई ये देखो इसका जो है चिकन कितनी भरपूर मात्रा में डाल रखा है इसमें, अंदर तक इसकी स्टफिंग बढ़िया। ये नहीं कि भाई साहब ये फूला हुआ है, किसी तरह कोई गैस नहीं है ना कोई हवा है, ये बढ़िया तरीके से स्टफिंग दबा के ठूस ठूस के डाल रखी है। तो ये आ गया भाई पनीर वाला, जरा पनीर वाले की हालत देखते कैसी है, गर्म बहुत है यार। ये लो भाई ये है पनीर वाला, और ये आ गया अपना वेज वाला। एक बात तो मानने वाली है कि जो ये पनीर वाला जो मोमोस है ना भाई, स्टफिंग जो ना इसके अंदर कुछ खास नहीं है, लेकिन चिकन तो भाई इन्होंने भर भर के डाल रखा है। ये देखो चिकन में कोई कंजूसी नहीं की है, ये नहीं कि कहीं आपको जो है गैस लग रही है हवा भरी हुई इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसको टेस्ट करेंगे इसके अंदर पनीर वाला मोमोस। ये देखो भाई थोड़ा सा ठंडा हो गया, और ये लगाई चटनी। मेयोनीज़ तो मुझे पसंद नहीं है इसलिए रेड सॉस के साथ मैं इसको खाऊंगा। जो रियल है वो ये है कि मोमोस तो सारे वैसे ही होते हैं, पर जो फ्लेवर आता है ना भाई साहब वो चटनी का आता है, क्योंकि चटनी में क्या फ्लेवर आ रहा है मस्त वाला, लहसुन और इसके अंदर टमाटर की जो महक आ रही है क्या ज़बरदस्त आ रही है, उसकी वजह से भाई साहब टेस्ट अच्छा आ रहा है। इसीलिए जो है ये मोमोस लोगों के मुँह लग गया है। अब एक बार जो है वेज वाला टेस्ट करके देखते हैं। मेयोनीज़ डाल के इसके अंदर भाई साहब सेटअप बेशक से साइकिल पे लगा हुआ है, लेकिन मोमोस के अंदर दम है। सो फाइनली गाइस वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसको मैं फिनिश करता हूँ। आपको मिलता हूँ किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और भैया अपने तीनों के रेट क्या है? पनीर और चिकन 50 रुपये प्लेट है, 12 पीस। अच्छा 12 पीस 50 रुपये प्लेट। पनीर और वेज वाले 40 के 12। वेज 40 के 12।